IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की टीम अपने कौन से वो चार प्लेयर है जिसको ऑक्शन में नहीं उतारेगी? पहली बात तो ये कि चार प्लेयर में से तीन प्लेयर जो है वो इंडिया के होंगे और एक प्लेयर जो होगा वो विदेशी होगा, फॉरनर प्लेयर होगा। मगर मुंबई इंडियंस के पास एक बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास चार प्लेयर ऐसे हैं जो इंडिया के टॉप क्लास प्लेयर हैं। नंबर एक पे हार्दिक पांड्या आते हैं, नंबर दो पे रोहित शर्मा, नंबर तीन पे जो है सूर्या कुमार यादव है और नंबर चार पे बुमराह है। तो ये चार प्लेयर में से किसी एक प्लेयर को मुंबई इंडियंस ड्रॉप करने वाली है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तीन प्लेयर ही रख सकती है एक टीम इंडियन प्लेयर। तो चार में से कौन सा एक प्लेयर ड्रॉप होने वाला है, आज हम इस वीडियो में आपको पूरी खबर बताएंगे आपको कि मुंबई इंडियंस कौन से प्लेयर को ड्रॉप कर रही है और कौन से वो तीन प्लेयर है इंडिया के जो रख रही है और कौन सा वो एक फॉरनर प्लेयर है जिसे मुंबई इंडियंस अपने टीम में रखेगी, मेगा ऑक्शन में नहीं भेजेगी। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ दोस्तों। तो नंबर एक पे जो आते हैं मुंबई इंडियंस में जो ऑक्शन में नहीं जाने वाले हैं और कंफर्म मुंबई इंडियंस के टीम में रहेंगे, तो नंबर एक पे आते हैं मुंबई इंडियंस के जो कैप्टन रहे पिछले साल 2024 के आईपीएल में, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस नहीं भेजेगी ऑक्शन में। और नंबर दो पे अगर हम बात करते हैं तो नंबर दो पे आ जाते हैं सूर्या कुमार यादव। अगर T20 का बात होती है, अगर T20 की बात होती है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्ट्राइक रेट पूरी इंडिया में, तो सूर्या कुमार यादव से बेहतर कोई भी प्लेयर नहीं है। अगर बैटिंग में रोहित शर्मा और सूर्या कुमार यादव में कंपेयर करेंगे तो सूर्या कुमार यादव की जो बैटिंग लाइनअप है, बैटिंग स्टाइल है उनकी, इससे वो हाई चले जाते हैं। और सूर्या कुमार यादव अभी यंग है, तो इस वजह से मुंबई इंडियंस की टीम चाहेगी कि सूर्या कुमार यादव के साथ जाए हम। और रोहित शर्मा का टाइम भी अब पूरा हो चुका है, तो रोहित शर्मा का कन्फर्म अब नहीं है कि रोहित शर्मा खेलेंगे, कि रोहित शर्मा के साथ वो जाएंगे। इतना कंफर्म है कि सूर्या कुमार यादव के साथ में कंफर्म जा सकते हैं। और नंबर तीन पे आते हैं बुमराह। नंबर तीन पे बुमराह आएंगे, जसप्रीत बुमराह, उनकी बॉलिंग अटैक के लिए एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, बैटिंग में सूर्या कुमार यादव और बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह। तो रोहित शर्मा कन्फर्म ड्रॉप होने वाले हैं ये साल आईपीएल में। आईपीएल में 2025 के आईपीएल में रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की टीम में खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे हमें। तो इस तरीके से तीन प्लेयर जो मैंने आपको बताया कि मुंबई इंडियंस की तरफ से इंडियन प्लेयर जो हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह, ये तीन प्लेयर इंडिया के हो गए। और अगर हम फॉरनर प्लेयर की बात करते हैं तो फॉरनर प्लेयर तो मुंबई इंडियंस में बहुत सारे आते हैं और जाते हैं, मगर बहुत कम होता है कि फॉरनर प्लेयर को वो अपनी टीम में रखते हैं कन्फर्म। मगर इस बार टेम डेविड का नाम ज़्यादा ऊपर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है अपनी बैटिंग से और मुंबई इंडियंस को बहुत ही सिचुएशन में जब वो ख़राब हालत में रहती तो आके वो बैटिंग करके उन्हें दिया है। तो एक फॉरनर प्लेयर अगर मुंबई इंडियंस रखना चाहेगी तो वो टेम डेविड को अपने साथ में रखेगी, क्योंकि टेम डेविड काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। तो इस तरीके से मुंबई इंडियंस के चार प्लेयर जो हैं वो सामने आते हैं हमारे, और हम इन्हें अगले साल जो होने वाला है 2025 के आईपीएल में खेलते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले पे अगर हम देखें तो हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, दूसरे पे सूर्या कुमार यादव और तीसरे पे जसप्रीत बुमराह और चौथे पे टेम डेविड। तो इस तरीके के चार प्लेयर होंगे। और अब देखना है कि मुंबई इंडियंस किस तरीके की टीम बनाती है, क्योंकि अब होने वाला है मेगा ऑक्शन। तो मुंबई इंडियंस के पास बड़ा एक ऑक्शन होगा कि वो कौन से प्लेयर को लेती है, क्योंकि रोहित शर्मा वापस ऑक्शन में जाएंगे तो शायद से हो सकता है कि रोहित शर्मा को वापस खरीद ले मुंबई इंडियंस ज़्यादा अमाउंट दे के, 15 करोड़ 20 करोड़ जैसे, क्योंकि रोहित शर्मा के ऊपर और भी टीम की नज़र है। जैसे कि सुनाई में आ रहा है कि वो पंजाब के साथ में जुड़ सकते हैं या फिर RCB के साथ में जुड़ सकते हैं, तो ऐसा हो भी सकता है। मगर मुंबई इंडियंस तो आप जानते ही हो कि मुंबई इंडियंस किसकी कोई भी प्लेयर को खरीद सकती है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हार्दिक पांड्या को उन्होंने गुजरात से ले लिया था अपनी टीम में और उन्हें कप्तान बना दिया था। काफ़ी मोटी रकम हार्दिक पांड्या को दी गई थी कैप्टन बनने के लिए मुंबई इंडियंस की। तो इस तरीके से मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को ड्रॉप करके ऑक्शन में जाके रोहित शर्मा को खरीद सकती है ज़्यादा अमाउंट देकर। और भी बहुत सारे प्लेयर ड्रॉप होंगे अदर्स टीम से और उनके ऊपर भी नज़र होगी मुंबई इंडियंस की। तो किस तरीके की टीम बनती है ये आने वाले समय बताएगा, हम आपको वो भी खबर बताएंगे आपको। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों, क्योंकि आईपीएल की सारी जुड़ी हुई खबर और इंडिया की मैचेस की पूरी खबर हम इसी चैनल पे डालते रहते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।